नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सिर्फ नूपुर शर्मा को नहीं बल्कि भाजपा नेतृत्व को इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी वजह से देश का माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में देरी की, माफी भी मांगी तो अपने हिसाब से देश से माफी मांगी, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और नूपुर शर्मा का कहना था कि मेरा किसी धर्म की को या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। ये पूरी तरह राष्ट्र के सामने जाएं, नूपुर शर्मा माफी मांगे। मेरा कहना है सिर्फ नूपुर शर्मा माफी ना मांगे, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, फिर उन बयानात के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए नूपुर शर्मा को संरक्षण देने के लिए, इस अपराध को संरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए पूरे राष्ट्र से टेलीविजन पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।